नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन करेंगे। विदूषक राजा दुष्यंत से कहता है कि हे मित्र, तुम तपस्वी कन्या के इच्छुक दिखलाई पड़ते हो। तब राजा दुष्यंत कहता है, हे मित्र, त्याज्य वस्तु के विषय में पूर्ववंशियों का मन प्रवृत्त नहीं होता है। शौर्य योवते संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कश्यो परिशिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। शौर्य योवते संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कश्योपरि शिथिलम च्युतम इव न मालिका कुसुमम। मुनेरपत्यम के पदविच्छेद करेंगे तो मुनेः अपत्यम, तद उज्झिताधिगतम, तत् अलग हो जाएगा, उज्झित धिगतम अलग हो जाएगा, अर्कश्योपरि, अर्कश्य उपरि, इसमें गुण संधि है। अब अन्वय देखिए, शिथिलम अर्कश उपरी च्युतम नवमालिका कुसुमम एव तत् मुने अपत्यम किल सुर युवती संभवम उज्जिताधिगतम। शिथिलम, शिथिल होकर के डंठल से अलग होकर अर्कश उपरी च्युतम, अर्कश यानी आंख के पौधे के ऊपरी यानी ऊपर, च्युतम यानी गिरे, डंठल से टूटकर आग के पौधे के ऊपर गिरे हुए नवमालिका कुसुम में, वह नवमालिका के कुसुम यानी फूल के इव यानी समान, तो नवमालिका यानी चमेली के कुसुम यानी फूल के इव यानी समान, तो डंठल से टूटकर आग के पौधे के ऊपर चुत यानी गिरे हुए, आंख के पौधे पर गिरे हुए नवमालिका यानी चमेली के कुसुम यानी फूल के इव यानी समान, डंठल से टूटकर आंख के पौधे पर के ऊपर गिरे हुए चमेली के फूल के समान, तत्व है मुने अपत्यम, मुने यानी मुनि की अपत्य यानी संतान किल निश्चय ही सूर्युक्ति संभवम, सूर्युक्ति सूर्योक्त यानी जो अप्सरा है अर्थात मैन का है, उससे ही संभव में यानी संभव है। तो तत् मुने अपत्यम, तत् यानी वह मुने अपत्यम, जो मुनि की अपत्य यानी संतान है अर्थात शकुंतला है, वह किल यानी निश्चय ही सूर्योक्ति संभवम, सूर्योक्ति सूर्य यानी देवताओं की जो युक्ति है उनके द्वारा संभवम, या सूर्यलोक में रहने वाली या स्वर्ग लोक में रहने वाली अप्सरा से मेनका से ही ये संभव है। और उज्जिता अधिगतम, और उज्जिता यानी त्याग देने पर उस महर्षि कन्वे को वह शकुंतला अधिगतम यानी प्राप्त हो गई है, अर्थात वह जो शकुंतला है वह मुनि अपत्यम, जो मुनि की संतान है वह किल निश्चय सुरवृत्ति संभवम, वह जो मैन का अप्सरा है उसी से ही संभव है, उसकी उत्पत्ति संभव है। उज्जिता अधिगतम, और उसको उज्जित यानी त्याग देने पर वह जो महर्षि कन्वे को अधिगतम यानी प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से राजा दुष्यंत है वह विदूषक से कह रहा है कि जो शकुंतला है वह वास्तव में महर्षि कन्वे की पुत्री नहीं है, अपितु वह राज ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका के द्वारा उत्पन्न पुत्री है, जिसे कि उस मेनका के द्वारा त्याग दिया गया, और उसके त्यागने के बाद में वह महर्षि कन्वे को प्राप्त हुई, और उस महर्षि कन्वे ने ही उसका लालन पोषण किया। तो यहां पर वह जो राजा दुष्यंत है वह विदूषक को यह भी बताना चाहता है कि शकुंतला यथार्थ में
ऋषि कन्या अर्थात ब्राह्मण बालिका नहीं है, प्रत्युत क्षत्रिय बाला है। अर्कस्योपरि शीतलम च्युतम इव न मालिका कुसुमम, तो च्युतम इव में उपमा अलंकार है। ऐसा भाव व्यक्त कर शकुंतला के अत्यंत सुकुमार होने की अभिव्यंजना की गई है। इसमें आर्या छंद है। अपत्यम न पतंति पितरः येन जातेन अपत्यम, सूर्य युवती संभवम, सूर्य युवती ही संभवम उत्पत्ति स्थानम यस तत्। अधिगतम अधिगम तय प्रत्यय से बना है।